वो हो जाएगा बापू, हमारे कार्यकर्ता इसी में ही लगे हैं, बाकी अगली मीटिंग में देखते हैं। ठीक है, मेरी बात हुई है सरदार से। आओ सुभाष। प्रणाम बापू। हेलो जवाहर। हेलो सुभाष, जीत की बहुत बहुत बधाई हो, उम्मीद है तुम इस बार भी बहुत अच्छा करोगे। बधाई हो। शुक्रिया बापू, आप खुश हैं ना? बहुत खुश हूं, लेकिन लेकिन एक छोटी सी समस्या है सुभाष, कांग्रेस हाईकमान तुम्हारे रवैये से खुश नहीं है। अगर तुम जंग में ब्रिटिश को मदद नहीं करने के अपने फैसले पर अड़े रहोगे तो हमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाएगा। सुनो जवाहर, चाहे जो भी हो जाए, मैं कभी उस साम्राज्य का समर्थन नहीं करूंगा जिसने 200 साल तक हम पर बेरहमी से राज किया, और मैं कभी भी फिरंगियों के लिए भारतीय सैनिकों के बलिदान का समर्थन नहीं करूंगा। अगर उन्हें लड़ना है तो उन्हें भारत के लिए लड़ना होगा, मातृभूमि के लिए। सैनिकों के जरिए हिंसा करना, भले वो आत्मरक्षा के लिए हो, किसी समस्या का हल नहीं है सुभाष। अहिंसा का मार्ग जो हमें बापू ने दिखाया है, हमें उसी पर चलना होगा। अच्छी बात है, चलो जरा अब आगे की सोचते हैं। मान लो भारत आजाद हुआ और तुम पहले प्रधानमंत्री बने जवाहर, क्या तुम आजाद भारत के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तैयार करोगे, या फिर विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए अपना दूसरा घाल आगे बढ़ा दोगे? जवाहर, सुभाष जरा सोचो, ब्रिटिश सरकार इस समय बहुत मुश्किल में है, और यदि हम इस वक्त उनकी मदद करेंगे, हमें पूरा विश्वास है, तो वो हमारी सब मांगों पर अमल करेंगे। लेकिन बापू, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जवान देकर उनकी मदद की थी, उसके बदले में हमें क्या मिला? राउलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। इस बार ऐसा नहीं होगा, हमें विश्वास है, धीरे धीरे हमें आजादी जरूर मिल जाएगी। और कितने दिन बापू, और क्यों? आजादी कोई भीख नहीं, यह हमारा अधिकार है, और अधिकार मांग कर नहीं छीन कर लिया जाता है। तुम्हारी सोच एकदम गलत है सुभाष, हिंसा से कभी कुछ हासिल नहीं होता। भारत की आजादी का एकमात्र उपाय है अहिंसा, मेरा ये मानना है। मुझे माफ कीजिएगा बापू, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आप लोग अपने तरीके से आजादी के लिए लड़िए, मैं अपने हिसाब से लड़ता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आजादी छीन कर आजाद हिंदुस्तान में वापस आ सकूं। विजय भव सुभाष, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। सुभाष रुक जाओ, जरा एक बार सोचो सुभाष, तुम कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो, आज नहीं तो कल हमें आजादी मिल जाएगी। इतना भी दूर मत जाओ कि वापस आना मुश्किल हो। फिक्र मत करो जवाहर, हम कितने भी दूर जाएं तुमसे मिलने के लिए जरूर वापस आएंगे, और वापस आएंगे आजाद हिंदुस्तान में।